Get down. Gurudev? मुझे अपने गुरुदेव से अति आवश्यक बात करनी है। कल हम पुनः भेंट करेंगे। कल प्रातः अवश्य। ये कैसी अनुभूति है प्रभु? कहीं इसका संबंध मेरे दुस्वप्न से तो नहीं? वो क्षण अब निकट आ गया है नारायण, क्योंकि शीघ्र ही लोहितांग को सत्य ज्ञात हो जाएगा। गुरुदेव नरसिम्हा अवतार की कथा मैं कई बार सुन चुका हूं, इस कथा का मैं अंत भी जानता हूं, आरंभ भी। आप कहना क्या चाहते हैं? इस कथा में महादेव और विष्णु के भक्तों ने बड़ी चतुराई से एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा दिया है, और वो है विष्णु को श्राप मिलने वाला तथ्य। जब विष्णु को श्राप मिला तो उन्होंने उसे स्वीकार तो कर लिया, किंतु अभी उसका पूर्ण होना शेष है लोहितांग। कैसा श्राप? कौन सा श्राप? मैं इस श्राप के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, बताइए मुझे। स्वयं को ईश्वर मानने वाले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र हरिभक्त प्रहलाद को कई बार प्रताड़ित किया, ये कहकर कि वो अपने पिता को ही अपना ईश्वर माने, किंतु वो हरिभक्त प्रहलाद अपने नारायण की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। आज तक जिसने भी मेरी अवज्ञा करने का प्रयास किया है उन सबको मैंने मृत्यु दी है, मृत्यु। यदि मैं अपने पुत्र को देवी छोड़ दूं, तो क्या कहेगा संसार? कि स्वयं को भगवान मानने वाला हिरण्यकश्यप को तो उसकी अपनी संतान ही भगवान नहीं मानती। अब मुझे अपने भक्त के दुखों का अंत करना ही होगा, और ये हिरण्यकश्यप के अंत के साथ ही संभव है। विष्णु 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 में क्या है जो मुझ में नहीं है? मेरे हरि कण कण में बसे हुए हैं। तू पुकार ले अपने हरि को, पुकार, देखता हूं कैसे तेरी रक्षा करता है। पुकार हरि हरि हरि। और नारायण ने अपने विष्णु स्वरूप को भूलकर नरसिंह अवतार लिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हरि। ना तुम घर के अंदर हो, ना बाहर हो, ना धरती पर हो, ना आकाश में। मैं ना तो देवता हूँ और ना ही असुर हूँ, और ना ही मनुष्य हूँ और ना ही पशु हूँ। ना दिन है ना ही रात, और मेरे पास कोई अस्त्र भी नहीं है, केवल ये नख है। नख अर्थात तुम्हारी मृत्यु का पूर्ण संयोग है हिरण्यकश्यप। यदि शीघ्र ही नारायण को उनके वास्तविक पालनहार स्वरूप का आभास नहीं कराया जाता तो उनके क्रोध से इस समस्त सृष्टि का नाश हो जाता, महाप्रलय आ जाती। इसलिए उन्हें शांत करने हेतु महादेव ने वृषभ अवतार लिया। जब महादेव के सर्वेश्वर अवतार ने नारायण के नरसिम्हा अवतार को शांत कर दिया तो सबको लगा कि संकट टल गया,
महादेव, आपके शरब अवतार ने संसार को विनाश से बचाया है। आज से आपको सर्वेश्वर के रूप में भी पूजा जाएगा। आपके इस नाम का जाप संसार को पाप मुक्त अर्थात पवित्र करने का माध्यम बनेगा। सर्वेश्वर और नरसिम्हा के युद्ध से जो प्रलय की स्थिति बनी थी वो टल गई। सब कुछ ठीक ही प्रतीत हो रहा था कि तभी नारायण, नरसिम्हा अवतार में आपके क्रोध से सृष्टि को जो क्षति पहुंची उसके दुर्गामी परिणाम होंगे। नारायण, आप इस सृष्टि के संचालन करता है और आपके क्रोध का कोप समस्त सृष्टि और अनेक जीवों को भोगना पड़ा। दायित्वों की ऐसी उपेक्षा आप करेंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। निसंदेह क्रोध में आकर इस समस्त सृष्टि का विनाश करने का निर्णय कर लेना अक्षम्य है। सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, यही नियति है और नियति से कोई परे नहीं। ना मनुष्य, ना दानव, ना देवता और ना ही त्रिदेव। आप जो कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य है और मैं इसका परिणाम भुगतने हेतु तत्पर। नारायण, इन समस्त लोकों में जिस जिस को भी आपके इस नरसिम्हा अवतार के प्रकोप के कारण किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची है उन सब की ओर से मैं ऋषि कश्यप आपको यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आप इस समस्त सृष्टि को निगल जाना चाहते थे ठीक उसी प्रकार एक दिन कोई आपको भी निकल जाएगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार। उचित समय आने पर आपका दिया हुआ श्राप अवश्य पूर्ण होगा। विष्णु पर आक्रमण करने की मंशा तो मेरी पहले ही थी गुरुदेव, किंतु ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये संभव कैसे होगा। यदि नारायण को ये श्राप दिया गया है तो आज इस काल में ऐसा कोई अवश्य होना चाहिए जो इस वरदान को पूर्ण करने की क्षमता रखता। निघस, उसने ऐसा क्या किया जो इंद्र अपनी इतनी विशाल सेना को लेकर उस पे आक्रमण करने चला आया। यदि निगस इंद्र के लिए महत्व रखता है तो निसंदेह वो लोहितांग के उद्देश्य की पूर्ति करने में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अवश्य होगा और लोहितांग को इसका अवश्य ज्ञात होगा और उसने कोई योजना भी बनानी होगी। अब तक तो उसे यह समाचार मिल गया होगा इंद्र के पलायन का और निघस के सुरक्षित होने का। दादा अंधक ने मुझे मिलवाया था निघस से जब मैं छोटा था। ब्रह्मदेव की तपस्या करो निघस और ऐसा वरदान मांगो कि कोई तुम्हारे समक्ष खड़ा होने का दुस्साहस भी ना करे।
अवश्य असुरराज, मैं आज ही तपस्या आरंभ करूंगा। निगस! हाँ गुरुदेव, निगस! निगस ही है वो जिसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। और जानते हैं कि वो वरदान क्या था? वो एक बार जिसे भी चाहे निगल सकता है। और इसी कारण इंद्र ने निगस पर आक्रमण किया। इससे पहले कि मुझे निगस के वरदान के बारे में पता चल जाता, वो उसका अंत करना चाहता था। हाँ गुरुदेव, निगस, निगस ही है वो जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। निगस ही है वो जो विष्णु को निकलेगा, और मैं करूंगा अंत महादेव का। हाँ, संभव को संभव कर दिखाएंगे गुरुदेव, और बाधा अंत तक के साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध अवश्य होगा। विष्णु शयन में है गुरुदेव, इसलिए संघर्ष की स्थिति तो उत्पन्न ही नहीं। और फिर विष्णु ने तो स्वयं श्राप को स्वीकार किया था। विष्णु ने यह स्वयं कहा था कि समय आने पर यह श्राप अवश्य पूर्ण होगा, और वो समय आ चुका है गुरुदेव। निखस विष्णु को निकल जाएगा, उससे त्रिदेव की ऊर्जा असंतुलित होगी, अस्थिर होगी, और उससे महादेव की शक्ति क्षीण हो जाएंगी। और उस क्षण में बारह ज्योतिर्लिंगों की कथाओं से अर्जित किए हुए ज्ञान का उपयोग कर महादेव पर आक्रमण कर दूंगा, उनका अंत कर दूंगा। अब सर्वप्रथम मुझे निगस से भेंट करनी होगी गुरुदेव। तत्पश्चात हम क्या हुआ गुरुदेव, क्या प्रसन्न नहीं है कि आपका शिष्य अपने गंतव्य के और भी निकट पहुंच रहा है? नहीं वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूं, किंतु मेरी चिंता कुछ और है। क्या चिंता है आपकी गुरुदेव? कहिए मुझसे, हम मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। लोहितांग निघस महादेव का परम भक्त है। यदि उसे एक क्षण के लिए भी आभास हो गया कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य महादेव का अंत करना है तो क्या गुरुदेव? क्या आप निश्चिंत रहिए, मैं जानता हूं कि मुझे निघस से कैसे बात करनी है। शीघ्र ही हमारी पुनः भेंट होने वाली है महादेव। आशा करता हूं कि आप तैयार होंगे। परिवर्तन, यही तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो पुनः चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा। आप निराश ना हो, यदि महादेव के डमरू का नाद पुनः प्रतिध्वनित कराना है तो आदिशक्ति और नारायण को ये कार्य एक होकर करना होगा। तो इतांग के कृत्य से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। त्रिदेव भी? हां पुत्र, त्रिदेव भी। निगसी है वो जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। निगसी है वो जो विष्णु को निकलेगा। नारायण, हो गया पार्वती? हाँ स्वामी, क्या हो गया?
ज्ञात हो गया कि आप इतने दिनों से किस अनहोनी की बात कर रहे थे। ज्ञात हो गया कि त्रिदेव हमें किस घटनाक्रम की ओर ले जा रहे हैं। स्वामी, क्या और कोई भी विकल्प नहीं था? यह घटनाक्रम अनिवार्य है पार्वती, क्योंकि इस घटनाक्रम के विकल्प कल्पना के परे हैं। अब जिस क्रम में जो घटित होना है वो होना है। नहीं स्वामी, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। भ्राता नारायण को निगलने से यदि आप निगस को नहीं रोकते हैं तो हम उसका संहार अवश्य करेंगे।